अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। खैरियत से हो। और आज हम बना रहे हैं गोभी गोश्त। हमने ये तीन प्याज ली हैं और तीन अदर टमाटर हैं। हम इसको पीस के पेस्ट बना लेंगे। और ये हमने एक पाव के करीब मटन का गोश्त लिया है। और अभी जो है हम प्याज को काट के एक प्याली तेल गरम करके इसको ब्राउन कर लेंगे, हल्का ब्राउन करेंगे। अगर ये प्याज ब्राउन हो चुका है, अभी हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त को थोड़ा सा भूनेंगे और अभी अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच डाल रहे हैं फिलहाल। अगर ये हमने लिए है दालचीनी दो टुकड़े, दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, सफ़ेद जीरा आधी चमची, दो काली मिर्चें। हमने दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला, आधी चमची हल्दी डाली। अभी हम इसको पानी डाल देंगे इसमें और गोश्त गलने तक इसको ढक देंगे। ये हमने फूल गोभी ली है, उसको काटा है, तकरीबन एक किलो के करीब है। और अभी हम इसी तरह आखिर में, जैसे हमारा ये गोश्त अच्छी तरह भुन जाएगा, गोश्त हमारा गल चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे फूल गोभी कुछ देर के बाद, जैसे थोड़ा सा और खुश्क हो जाए, इसका पानी सूख जाए, क्योंकि गोभी अपना पानी छोड़ती है, उसी से गोभी दम पर गल जाती है। ये हमने अदरक लहसुन को ज़रा सा बारीक बारीक काट लिया है। ये अभी हम अदरक लहसुन बारीक बारीक काट के इसमें डाल रहे हैं। थोड़ा सा इसको भून के हम फूल गोभी डालेंगे और इसको ढक देंगे। थोड़ा धनिया पाउडर डाल देते हैं, डेढ़ चम्मची। अभी नमक डाल देते हैं। फिलहाल नमक दो चम्मच डालते हैं, अगर कम हो गया बाद में तो फिर वो डालेंगे। हरी मिर्चें डाल रहे हैं, थोड़ा सा और भून लेते हैं। अभी हम शामिल करेंगे इसमें फूल गोभी। हमने फूल गोभी डाल दी है, इसको अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे। देखिए नाज़रीन, हम इसको ढक देते हैं और आग बिल्कुल स्लो कर देते हैं।
ये हमारा गोभी गोश्त तैयार हो चुका है। इसके ऊपर अभी हम थोड़ी सी हरी दो तीन हरी मिर्चें डालेंगे और अदरक लंबी लंबी काट के डाल देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।